किसान भाइयों नमस्कार, मैं नीटू कुमार शीतल फार्मिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यह गन्ना बोया गया है आज यहां पे ट्रंच विधि से। ट्रंच विधि से गन्ना बोया गया है। ये भाई का ट्रेंचर है, इससे गन्ने की बुआई करी किसान भाई ने। ये सिंगल खोड बोया है ट्रंच में, देख सकते हैं आप। किसान भाई से मिलवाते हैं आपको, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किसान भाइयों कमेंट करके बताएं कि जितनी गहराई पर बोया गया है ये किसान ने ठीक बोया या इससे कम ज्यादा रखे। ट्रंच सिंगल खोड आगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। भाई मेरा गांव ढिकाना, नाम बबलू। नाम बबलू, गांव ढिकाना, डिस्ट्रिक्ट बागपत। डिस्ट्रिक्ट बागपत। अच्छा जी, तो आपने ये सिंगल बुआई करी जो ट्रंच की? बस सिंगल बुआई अब की बार करी, पहली बार। तो 4-5 साल से डबल का ही बो रहे। अच्छा जी, डबल का बो रहे। तो ये इधर आपने डबल का बोया? इधर डबल का बोया। अच्छा जी, इसमें 3 बीघा का लंबर है जी। जी, तो इसमें 1 बीघा तो करीब डबल का ही बोया। अच्छा, और 2 बीघे की बुआई करी सिंगल की। ज्यादातर भाई वीडियो वगैरह देखे हम भी नहीं, बस सिंगल के में बढ़िया पैदावार आवे, तो अब की बार तजर्बा कर रही है इस चीज का, सिंगल का बोकर देखे आयो। तो इसमें देखते हैं पैदावार बराबर आओगी या घटेगी बढ़ेगी कैसे होगा। तो ये बताइए आप डबल का कब से बो रहे? इसकी बार 5वीं साल है। 5 साल लगातार आपने डबल का बोया। और इस बार इस 3 बीघे के खेत में किसान भाइयों, भाई विपिन ने 2 बीघे सिंगल छठी साल है जो इसमें बुआई करी थी। अच्छा, 5 साल पहले करी थी। अच्छा, तो इसमें 5वीं बार का मुड्डा कटा। तो जैसा आप 5 साल तक इसमें गन्ना रखा ट्रंच का, आपने 5वीं बार की मुड्डी काट के फिर इसमें छठी साल जुताई करी, जुताई करके अब बुआई करी इसमें। तो आप ये बताइए, जैसा शुरुआत में आपका बोर्ड कितना निकला? 2 बरसा, 3 बरसा, 4 बरसा, 5 बरसा? इसमें 100 का बोर्ड, 100 का निकला जी। जो इसमें मुड्डा था वो निकला था 110 का। अच्छा जी, जो तिबरसा था वो निकला था 125 का। मतलब पैदावार बढ़ती गई। अच्छा जी, चौबरसे में पहले साल यानी कि कीड़ा आ गया था उसमें, वो 95 के आसपास में रह गया था। अच्छा, अब की बार इसमें एवरेज आया 90 का। अच्छा, 5वीं बार में 90 का, बहुत ही बढ़िया। 2 साल से। अच्छा, तो फिर भी कहने का मतलब बढ़िया निकल गया हमारे हिसाब से। तो जैसा आपका एवरेज इतना अच्छा रहा डबल में, और फिर आप सिंगल पे क्यों आए? जो आपने सिंगल पे ये बता रहे भाई, एक तो बीज भी कम लगे। अच्छा, पैदावार इसकी बराबर बता रहे। अच्छा, पैदावार उनका बराबर आवे। तो सिर्फ आपने तजर्बा के लिए बोया कि मुझे इसका तजर्बा हो कि आगे सिंगल बोऊं, इसलिए मैं एक खेत में 2 बीघे सिंगल का बोया, 1 बीघे डबल का बोया। अच्छा, तो बीज खेत में बराबर दवाई रहेगी, सब कुछ बराबर रहेगा। तो बीज कौन सा बोया जी? 38 जी, 0238। हाँ, तो ये नए नए बीज आ रहे, इनमें से नहीं बोया आपने कुछ? थोड़ा बहुत से नहीं बोया, बस अभी कोई 35 बढ़िया बता रहा, 15035 कौन सा है वो, 15023, 13235, 14201। अच्छा, 3-4 बीज है, कोई कोई से बढ़िया बतावे, कोई कोई से बढ़िया बतावे। अच्छा, हमने तो अपना वही 38 ही बोया। ठीक, जैसा आपने ये एक और देख रहा मैं, सिंगल आंख बोई आपने, ये सिंगल बर्ड। तो सिंगल बर्ड ये कहां से काट के बोई? तो इसमें फिर आपने जैसा बताते हैं उसमें तो गैप रखते हैं 1 फुट का, 1.5 का। तो आपने तो 1.5 फुट का रखा, मैं तो भाई देखो पहली बार बोई रहा है। अच्छा जी, इसका नहीं तो इधर देखो काची काट के बो रखी 2-3 की, तो पहली बार बो रहा तो पक्का करा के रहेगा कि नहीं, डर सा लगा। अच्छा, मतलब कभी ज्यादा गैप हो जाए, ज्यादा गैप हो जाए, छिद्र रह जाए, पैदावार जो सवा सौ की पैदावार निकाल रहे कभी वो कम पड़ जाए, गैप है बस इसमें तो। अच्छा अच्छा, मगर ये बोलते हैं कि भाई 1 फुट पे 1.5 पे वो सिंगल आंख, तो
इसलिए आपने डर की 8 इंच का गैप होना चाहिए। अच्छा अच्छा 8 इंच का गैप होना चाहिए जी। हमने तो आधा 2 इंच का गैप होगा इसमें। हां हां तो इसका भी तजर्बा लेके के रहेगा कि नहीं। सही बात है जी, इतने कोई भी भूत तजर्बा नहीं ले सकते, इतने पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कह रहा, ठीक कह रहा नहीं, किसी का निकल रहा है नहीं निकल रहा। पहले बोले थे हम 4 फुट पे जो पहले बोल रखा था जी, अब की बार बोया 5 फुट पे। अच्छा अच्छा, तो इसलिए भाई कभी पैदावार घटे उस वजह से हम लोग डर के ये किस्म तय। तो जो पांचवी बार का आपने काटा तो वो 4 फुट का था? हाँ, वो 4 फुट का था। डबल खूड, हाँ, गैप 4 फुट। हाँ, 4 फुट। अच्छा अच्छा, तो उसकी खूड से खूड की कितनी इंच की दूरी थी? जो डबल खूड थे, ये जैसे डबल खूड है जी, इनकी तो है 16 इंच की। ये 16 इंच है? हाँ, उनकी थी 11 इंच की। 11 इंच। हाँ अच्छा, तो ये बीच का खाली है, इसमें तो है 60 इंच। अच्छा, वो था 48 इंच। यानी कि जो खूड से खूड की दूरी वो भी बढ़ाई। हाँ, और चोरी करी अब की बार। अच्छा, और जो 4 फुट थी उसको 5 फुट कर दिया, यानी 60 इंच कर दिया। अच्छा जी, तो आज तारीख 5 मार्च, तो 5 मार्च को आज तारीख होगी 4 मार्च। 4 मार्च, आज 4 मार्च है, 4 मार्च को भाई ने बुआई करी। और अगली वीडियो निकाल लेंगे टाइम पे, जब गन्ना जमेगा देखते हैं डबल का कैसा जमा, सिंगल का कैसा। तो आप थोड़ा सा ये और बता दो किसान भाइयों को, जैसा आप बुआई पे अब इसमें खाद दवाई डाल रहे, तो क्या क्या डाल रहे आप भाई? पहले तो अब इसमें जुताई करने से पहले गोबर की खाद निकाली थी। अच्छा जी, गोबर की खाद निकाल ली। अच्छा जी, कंपनी का। अच्छा जी, हाँ ये मिक्सर है, ये मिक्सर है। हाँ, ये तो किसान भाइयों को ये बताइए, जो इस बार बुआई पर लगा रहे हो आप, तो पहले लगाया होगा, इसका पूरा भरपूर रिजल्ट? हाँ, आया आपको पूरा भरपूर रिजल्ट है इसका। अच्छा, तो किसान भाइयों, अब इसमें कोई कहे भेकबो उस्तबो, इसमें सुबह के टाइम में स्प्रे और मारूंगा। अच्छा अच्छा, उसमें एक तो फंगस की रहेगी। अच्छा, मतलब फंगस की कौन सी दवाई लगाओगे? कार्बनडाजाइम। कार्बनडाजाइम उसका अब इन पे, हाँ, बीज पे जो बो दिया उस पे स्प्रे लगाओगे। एक आती है कैपकेडिस, कैपकेडिस सिजेंटा की। अच्छा, उसमें थायो वगैरह होता है, पता नहीं थायो होता है शायद उसमें। हाँ जी जी, जो भी है उन दोनों को मिक्सर करके उसका स्प्रे मारूंगा सुबह के टाइम स्प्रे। अच्छा हाँ, कुड्डू कुड्डू। तो मिट्टी लगा के पानी दे देंगे साथ साथ। तो किसान भाइयों, बहुत ही तजर्बेकार किसान है विपिन भाई, हर साल अच्छी फसल लेते हैं, 100+ की, 125+ ही उन्होंने अतिवर्षी निकाल ली थी इस खेत से। तो जो भाई लगा रहे हैं बुआई पे, जिस तरह से कर रहे हैं, इनके तजर्बे अनुसार आप अपना खेत कर सकते हैं। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।